अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस क्या हाल है आप सबके। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि आप लोग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं मिनिमम सैलरी से भी, तो अभी फिर मुझे उस पर कमेंट आया कि अगर बैंक अकाउंट खोलें तो उसकी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है और स्टेटमेंट कैसे बनाई जा सकती है और वैलिड है या नहीं है। देखें, जब आपका बैंक अकाउंट बन जाए, अगर आप अपनी सैलरी अपनी एक्सचेंज से खुद डलवा सकते हैं, जिन लोगों के पास आज़ाद वीज़ा है वो सिर्फ अपनी कंपनी से पूछें या उनको इन्फॉर्म कर दें कि हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में डलवाई जाए, तो वो आपको या फिर उनसे आप डॉक्यूमेंट्स ले लें और एक्सचेंज में जाके खुद से अपना अकाउंट ओपन करवा के उसमें डालें। उसमें आपको पर मंथ थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। बैंक की फाइल ओपन होती है, लेट सपोज मैं अबू धाबी में हूँ तो मैं अबू धाबी का बताऊँगा, यूनिवर्सल एक्सचेंज वो एक साल का 100 दरम लेती है। आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं सब की सैलरी आप वहाँ से डाल सकते हैं। आपका WPS जनरेट करते हैं वो एक साल के लिए, उसमें आपको पर पर्सन पर मंथ 5 दरम एक्स्ट्रा लेते हैं। वो पर पर्सन पर मंथ 5 दरम एक्स्ट्रा लेते हैं। उनको आप अपना अकाउंट नंबर दे देंगे और सैलरी जमा करवाएंगे, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे एज अ सैलरी। इट डजेंट मैटर कि आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आएगी वो एज अ सैलरी आएगी, नंबर वन। और नंबर टू, जब आप सैलरी के तौर पे पैसे सेविंग शुरू करते हैं तो उसका स्टेटमेंट का तरीका आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा। स्टेटमेंट का बेसिकली तरीका ये होता है कि आप अपनी सैलरी, अगर लेट सपोज आप 3000 सैलरी शो करना चाहते हैं तो 3000 आपके अकाउंट में सेम डेट में आ रहा है। पहली, अगर फर्ज करें आप हर महीने की 4 तारीख को डाल रहे हैं, हर महीने की 5 तारीख को डाल रहे हैं, हर महीने की 8 तारीख तक डाल रहे हैं, या हर महीने की 28 को नेक्स्ट मंथ की सैलरी डाल रहे हैं, जो भी आप डेट चूज करना चाहते हैं, कोशिश करें कि वो डेट सेम रहे। और सेकेंड थिंग, द अमाउंट भी कोशिश करें कि सेम रहे। अगर आप स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश करें अमाउंट भी सेम ही हर मंथ डिपॉजिट हो। फर्ज करें 3000 है तो 3000 पूरी, 3250 है तो 3250 पूरी। फिर इसके बाद आप उसमें से कुछ पैसे अपनी ज़रूरत के लिए निकालें, मतलब 1000 निकालें, 1500 निकालें, 2000 निकालें, लेकिन हर महीने मिनिमम 1000 आपने अकाउंट में ही रहने देना है। तो अगर आप हर महीने ऐसे करते हैं, 3000 डालते हैं, 1000, 1500, 2000 आप यूज़ करते हैं, कार्ड यूज़ करें, पेट्रोल डालें, ग्रॉसरीज खरीदें, कुछ करें, लेकिन मिनिमम सेविंग के लिए 1000 बैंक में पड़ा रहने दें, तो वो 6 महीने में आपका 6000 भी जनरेट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट सैलरी जैसे ही अपडेट होगी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं जो कि 9-10 हज़ार रुपये की होगी, और वो स्टेटमेंट आप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो एक्सेप्टेबल भी है, वैल्यूएबल भी है और रीज़नेबल भी है सबके लिए, ठीक है। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा और आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूं या जितना मेरा नॉलेज है उसके लिहाज से। शुक्रिया। बाकी